एवरीवन, आज है एकादशी का व्रत हम लोगों का, तो मैं फलाहार की तैयारी करूंगी। और उसके लिए मैंने ये आलू बॉयल करके कद्दूकस कर लिए हैं। इसके मुझे पराठा बनाना है और मैंने घुया भी उबाल दी है। अब मैं तैयारी कर ले रही हूँ, तो टाइम हो चुका है इनके आने का। फिर ये पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद ये फलाहार करेंगे। तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एकादशी है, मैं फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं घुया को छील लूँगी, मैंने बॉयल कर ली थी, और आलू मैंने छील भी लिए हैं क्योंकि वो मैंने सुबह ही बॉयल कर दिए थे। इनके लिए लंच में आलू बनाए थे, इसलिए, क्योंकि वो वाले आलू जो होते हैं ठंडे होने चाहिए, जो हमें पराठों में मलने होते हैं, तो इस चक्कर में अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे वो वाले भैया को भी बुलाना था, क्योंकि मेरे मतलब जो घर में दो स्लिप हैं, उन स्लिप को मुझे कटवाना है। तो मैंने कहा इधर मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर ले रही हूँ, मम्मी है नहीं, वो छोटी बहन के घर पर गई हुई हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें ऑयल डाल दूँगी मैं, और जब मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, व्रत में मतलब देसी घी या रिफाइंड ऑयल खा सकते हैं, तेल नहीं खाया जाता है। और कोशिश यही की जाए जो आपका ऑयल मतलब जो यूज करते हैं वो वाला नहीं हो। मैंने अभी नई थैली खोली थी, इसीलिए इसको यूज किया। अब मैं इसमें थोड़ा जीरा निकाल लूँगी रायते के लिए, क्योंकि इसमें मैंने खीरा कस लिया था। और बकाया मैं इसमें अब आलू मतलब सॉरी गरम मसाला ऐड करूँगी, ये भी मैंने कूट लिया है घर पे। अब मैं हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। अब इन सबको भूनने के बाद में मैं इसमें आलू मिला दूँगी। सॉरी गाइस, आलू ऐड कर दिए हैं मैंने। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, और जितना मुझे इसमें रसा रखना है उतना पानी ऐड कर दूँ। नमक डाल दिया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, फिर भी व्रत में अलग ही स्वाद होता है खाने का। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये। अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा सामान फैल गया है उसको हटा दूँगी। ये मैंने कुछ बर्तन धुले थे वो सब लगा दूँगी। स्टैंड में इनका टिफिन है, वो पोच ओच के वो लगा दूँगी। उधर आलू मेरे पक रहे हैं तब तक, क्योंकि मैं उसी कढ़ाई में फिर अपनी घुया बना दूँगी मतलब अरबी, तब तक मैं ये वाले काम मेट दे रही हूँ। मुझे रायता बनाना है, कुट्टू के पराठे बनाने हैं। अभी टाइम शायद 7 हो रहे हैं, मैंने देखा नहीं था। और इतनी धूल हुई थी जब मैंने वो स्लिप कटवाई थी, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट। बहुत परेशान हो गई मैं, लेटने के लिए भी ऐसा लग रहा था कहाँ लेटे। तो चादर वादर जो पहले से थी बेड पर डली हुई उसको हटा दिया, और उसके बाद दूसरी चादर उस पर बिछाने के बाद में फिर मैंने उस पर हम लोग लेटे। और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और मेरी बेटी भी बहुत परेशान हो गई। और एक बार को तो मेरे मन में यही हो रहा था कि मैंने ये स्लिप विलिप क्यों कटवाई, क्यों काम फैलाया। पर कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत भी थी, मुझे अपने घर में एक बॉल ऐसी चाहिए थी। स्लिप के चक्कर में मुझे बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मेरे पास कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जहाँ पे हम लोग बर्थडे वगैरह हो या फिर कोई भी जन्माष्टमी होती है या दिवाली डेकोरेशन होती है वो कर सकें। तो इस चक्कर में मुझे कटवानी थी, और भी सफाई करनी थी होली की, तो इस चक्कर में मैंने इसको अभी कटवाया। अब मैं अपने घर की पूरी क्लीनिंग, वैसे भी मुझे करनी है डीप क्लीनिंग, तो वो हाथ के हाथ हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई है, अब मुझे घुया बनानी है। उधर देखिए, वो भैया आ गए थे तो सामान हटाने को कह रहे थे। पहले बरामदे में सोफे पड़े हुए थे, वो मैंने कमरे में अंदर कर दिए हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा धूल होगी। और ये कपड़े वगैरह वो तो बोल रहे थे पर्दे वगैरह सब हटा दो, तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया। फिर मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे ये सुबह धोने ही हैं, तो मैंने फिर वो नहीं हटाए। काफ़ी धूल हो गई थी सामने, और मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या मैं काम फैलवा रही हूँ, पर कुछ नहीं। अब वो स्लिप काटने लगे हैं, और
देखिए आप अभी से कितनी धूल उड़ने लगी आज इतनी किचन में, मुझे देखने नहीं मिला था सब कुछ मेरे घर, बाद में देखूंगी। मतलब ये धूल वगैरह, अपना घर इतना अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, सब पूरा गंदा हो गया। हाँ कोई बात नहीं है, फिर मैं यहाँ घुया छोंकने लगी हूँ अरबी। इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है और इसमें मिर्च काटने की जगह मैं पीस के डालती हूँ, चाहे सिर पे पीसूँ या फिर मतलब मैं भी अब हलबट्टे का यूज करती हूँ, उसमें पीस लिए मैंने। फिर अब मैं इसमें अरवी यूज कर दूँगी, ऐड कर दूँगी और इसको काफ़ी टाइम तक मैं भूनती रहूँगी। और इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ टूटी वाला, चमारी का भी आटा खा सकते हैं टूटू का भी। तो ये मेरा कूटू का आटा है इसलिए काला काला है, सिंघाड़े का आटा। मतलब जो उसके पराठे बनते हैं वो अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन मुझे सिंघाड़े का आटा खाने में टेस्टी नहीं लगता, इसलिए मैं कूटू का आटा ही यूज करती हूँ। अब यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही आलू के ही साथ मला जाता है, क्योंकि आलू मतलब ये गीला हो जाता है। इधर देखिए मैं पराठा सेकने लगी हूँ और मुझे बिल्कुल भी सेकने नहीं आते हैं। नेक्स्ट टाइम तो पता नहीं कैसे अच्छे बन गए थे, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मम्मी की बहुत याद आ रही थी, वो होती तो वो सेक ही देती, बट कोई नहीं, मुझे ज़्यादा सेकने भी नहीं थे, 6-7 पराठे बनाए थे बस मैंने, तो वो बन गए जैसे तैसे। और फिर अब ये आ गए हैं, ये पूजा भी सोच रहे थे कैसे करें, बोल रहे थे, मैंने कहा जैसे ही कर लो कोई बात नहीं। इसकी हालत देखिए, क्योंकि ये जो पड़ा है ये मैंने निकलवाया गाइस, क्योंकि ये पुरानी जमाने की ये मसेली बोलते थे वो है, तो इसके ये जो हैं वो दोनों साइड में थे, तो अब ये नॉर्मल बन गई है। देखो एक साइड हो गया और एक साइड सिंपल, इधर कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे क्या है, मैं इस पर जब चादर वगैरह बिछाऊंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे कमरे का व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। देखिए जो मैंने बेड बनाया था उसके जो हेड पर प्लाईवुड लगाया था उसका वो है, इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा दिया है। और ये देखिए मेरे बरामदे की हालत, इसके जो टुकड़े थे इस टाइप के वो तो मैंने सारे फेंक दिए हैं, और ये यहाँ से ये स्लैब कट गई है। अब मैं इस पूरी वॉल का वॉल देखना बिल्कुल चेंज कर दूंगी इस तरीके से। लेके चलते हैं हम, रूम की हालत देख लीजिए, सब में इतनी डस्ट हुई है गाइस, कुछ कह ही नहीं सकती मैं। और बेड का भी बस इसकी चादर हटा दूंगी ये कवर, क्योंकि अब मुझे होली की सफाई करनी है। इसकी मैंने ये वाली स्लिप कटवाई, क्योंकि ये वाली स्लिप होने से इस कमरे में कोई यूज नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब ये है, ये बेड हमारा इस साइड आ जाएगा। फिर मैं इसका मेकओवर करूँगी, वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक मैं अपने इस रूम की कर लूँगी सफाई, क्योंकि अब हम लोगों को लेटना भी है, वरना सब में बहुत बुरा हाल है। देखिए ये बिल्कुल हो गया, अब हम लोगों ने खाना लगा लिया था, फिर मैंने खाना खाया था और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे। और गाइस आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा मैंने यहाँ लेट ने लैग बना लिया है, फिर अब सारा काम करूँगी। बाय गाइस।